फ्रेंड्स जय हिंद, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स आज यहां पर हम करंट अफेयर के सीरीज़ को चलाएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने 25 क्वेश्चन करवा दिया था, तो फ्रेंड्स आज इसी के आगे करवाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है 26 नंबर का, क्योंकि 25 तक हमने करवा दिया था। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स पहली बार मनाया गया, इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को भारत में पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। और यह पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया गया, तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है कि किसके जन्म दिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस पहली बार मनाया गया, तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार में शामिल कर लीजिए। तो भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया है, तो गुलमर्ग कश्मीर में बनाया गया। ठीक है, कहाँ पर, गुलमर्ग कश्मीर में बनाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया, गुलमर्ग कश्मीर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत जो है, यानी भारत के किस शहर में दुनिया के पहले पक्षियों का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो यह किया गया है कोलकाता में। ठीक है, तो किस शहर में दुनिया के पहले पक्षियों पर संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया है, तो कोलकाता में। तो सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, कौन है, हिमाचल प्रदेश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्निक कहाँ विकसित की गई है। तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्निक कहाँ विकसित की गई है, तो यह रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे, रानीखेत उत्तराखंड में विकसित की गई है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है कहाँ विकसित की गई है, रानीखेत उत्तराखंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े भारतीय नौसेना ने विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया है। तो भारतीय नौसेना ने विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में यह प्रदर्शित किया है। राइट, यानी गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में है, तो वहीं पर भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे ऊँचे 24 मीटर ठीक है एयर प्योरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट क्योंकि एयर प्योरीफायर टावर, ठीक है, कौन सा है, एयर प्योरीफायर टावर है। इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट है कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्योरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, या चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, चंडीगढ़ में किया गया है, क्योंकि पोल्यूशन से रिलेटेड है, इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट है, पोल्यूशन से है। ठीक है, यानी प्रदूषण से इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट है कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्योरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, चंडीगढ़ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है, तो यह हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, तो विश्व का खोला गया है, इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊँचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है, हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है, तो कारगिल में किया गया है। कहाँ पर, कारगिल में किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 100 क्वेश्चन की सीरीज, जैसे ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगा इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड किया कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और इजीली वहाँ पर इसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, या भारत पे ने किया है। ठीक है, तो किसने किया, भारत पे ने। देखिए दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, फ़ोन पे भी रहेगा और भारत पे भी रहेगा। ठीक है, तो आपको भारत पे टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला
यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, राइट, यानी पावर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन लद्दाख में किया गया, ठीक है। कहाँ पर? लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर उद्घाटन किया गया। देखिए, यह क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो आप लोग कहेंगे कहाँ से आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको डबल स्टार में शामिल करिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह उत्तराखंड बन गया है, ठीक है। तो महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को अलग होकर बना था, ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन आया था, तो दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन लद्दाख में किया गया, ठीक है। तो सही उत्तर जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है, ठीक है। कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने 40 क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है, जो 25 क्वेश्चन उस वीडियो में पढ़े थे और यहाँ पर 15 क्वेश्चन इस वीडियो में, और दोनों का एक साथ यहाँ पर हम रिवीजन करवा देंगे, आप लोग का क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम पर इजीली जो है रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, आज का रिवीजन का है पहला क्वेश्चन कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को घोषित किया गया है, ठीक है, किसे? इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो यह चेन्नई से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लैंड फील बायोगैस प्लांट को कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह हैदराबाद में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तंजावुर में खोला गया, ठीक है। तो भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला है? तंजावुर में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य में विकसित किया गया है? या तेलंगाना में विकसित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली भारत की पहली महिला प्रियंका मोहिते बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला टीवी यानी ट्यूबरक्लोसिस मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो लक्षद्वीप बना है, ठीक है, यानी यहाँ पर टीवी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो हरियाणा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेट्रो रेल ने भारत के पहले सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? तो यह पुणे मेट्रो को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यह क्विक रिवीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई? यह ओडिशा में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है? तो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में की गई। कहाँ पर? गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? यह वाराणसी बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा बना है? वाराणसी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो यह जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गोवा में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत जो है
कहाँ से कहाँ तक की गई है, तो हिसार से चंडीगढ़ की गई, यानी भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की गई, हिसार से चंडीगढ़। रिवीजन का अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार में शामिल करिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया, 2021-22 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो यह सांची मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो कभी कभी मध्य प्रदेश देगा, सांची नहीं देगा, या सांची दे सकता है और मध्य प्रदेश नहीं देगा। ठीक है, तो भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है, सांची में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले श्रमिक प्रवासी सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह सूरत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मंग फ्रूट कि खेती कहाँ की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, राइट। तो भारत में पहली बार मंग फ्रूट की खेती कहाँ की गई है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली कृषि आधारित सौर परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है, राजस्थान में। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर कृषि से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, तो यह सागरिका का किया गया है। किसका? सागरिका का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है, 15 नवंबर 2021 को मनाया गया। किसके उपलक्ष्य में? तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर 2021 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, यह गगन मिशन है। ठीक है, कौन सा है? गगनयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है, तो गुवाहाटी असम में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाया गया, तो 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के रूप में मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का कि भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में बनाया गया। कहाँ पर? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया, यह कोलकाता में किया गया। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का जो है कहाँ विकसित की गई, यह रानीखेत उत्तराखंड में विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का कि भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में प्रदर्शित किया। ठीक है, तो विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचे 24 मीटर के एयर प्योरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ पर? चंडीगढ़ में एयर प्योरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया। भारत का सबसे ऊंचा टावर है, इसकी वजह से यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का कि विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया, तो ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया, हिमाचल प्रदेश में खोला गया। राइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिवीजन का अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हवाई यानी हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है, या कारगिल में किया गया। ठीक है, तो भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया, तो कारगिल में किया गया। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो यह भारत पे ने लॉन्च किया है। रिवीजन का अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, लद्दाख में। इसको डबल स्टार में शामिल करिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, लद्दाख में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड बना है। कौन सा बना है? उत्तराखंड। रिवीजन का अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह लद्दाख में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी
करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यह तेलंगाना बना है, ठीक है। यानी ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, कौन बना है? तेलंगाना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने 40 क्वेश्चन रिविजन किया और उसके बाद जो लास्ट में क्वेश्चन बचे थे उसका मैंने किया। अभी इसके पास 60 क्वेश्चन और करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद यह आपका कंप्लीट हो जाएगा 100 क्वेश्चन। और जैसे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपको इसका PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF सेंड कर दिया जाएगा। आप इजीली इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं और वहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स यह टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ से आपको एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। जैसे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपको यह PDF सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स से वीडियो कैसे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।